हिमालयन क्वीन। जैसे कि ये शिमला जाने वाली है, जैसे ही शिमला पहुंचते हैं शिमला में ये बस देखने को जल्दी ही मिलने वाली है। ये देखिए हमारी हेडलाइट है कैसी लगाई है, और ये देखिए फॉग लैंप है हमारी, और अपनी सीटें जो लगाई है वो पुश बैक लगाई है हमारी, है ना। हाँ जी, की हाल है तुहाडे सारयां दे। सब तो पहला तो तुहाडा साडे चैनल ते बहुत बहुत स्वागत कीता जांदा है, ते तुसी सब तो पहला साडे चैनल नूं करो सबसक्राइब ते लाइक। अज तुहाडे लई जो असीं इह बस लैके आए हाँ, ये बस शिमले तो आई सी तुहाडे कोल तैयार होण लई। इह कस्टमर नूं आए सी फस्ट टाइम साडे कोल आए सी वी गड्डी किद्दां तैयार होऊ किवें होऊ सारा इन्हां नाल सारी गल्लबात कीती। इन्हां ने साडे कोल इक वारी बस गड्डी छड गए, उदू बाद गड्डी कंप्लीट हुई तो साडे तो गड्डी डिलीवरी लैन आए हैं। तुसी नाले देखो भी गड्डी किद्दां बनी, ते नाले कस्टमर का रिव्यू देखो भी उन्हां नूं साडे तो गड्डी बनवा के की संतुष्टि मिली है। ये साडे कोल अशर दी चैसी आई सी, इहदे विच असीं पुश बैक सीट्स थोड़ी लग्जरी लुक दे विच तैयार कीती है, LED लाइटनिंग का काम फुल किया है, पेंट टूके का किया है। सारी गड्डी तुसी देखो कि आउटलुक किदां दी लग रही है अगे फ्रंट साइड आ। गड्डी तुसी पेंट क्वालिटी भी देख सकते हो, सारा गड्डी विच पूरा वधिया काम किया गया है, लाइटनिंग तो लैके प्रॉपर व्हील कप नवे मॉडल दे। फ्रंट दे लुक दे विच LED लाइट सारी, मतलब कि नई लुक दे विच गड्डी तैयार कीती है असीं। बाकी तुहानू कस्टमर की सर्टिफिकेशन के आप हिसाब से तुहानू पता लग जूगा गड्डी किदां दी तैयार हुई है। हिमाचल के रूल अकॉर्डिंग इसके डोर बनाए हैं सिंगल सिंगल। गड्डी की बैक आ गई जो कि फस्ट गड्डी के ही लॉन्च की उन्होंने, अगे तुसी कस्टमर का रिव्यू देखो। नमस्कार भाइयों, हम हिमाचल से आए हैं और हमने डेरा बस्सी से आयशर एजेंसी की मतलब चस्सी निकाली थी, और हम रानिया बॉडी बिल्डर मोगा आए थे बॉडी लगवाने। तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं वीडियो में कि बस किस तरीके से तैयार की गई है। इसकी हेडलैम्प देख लो, फोग लैम्प देख लो, जालियाँ देख लो, और फ्रंट लुक देख लो, और कुछ इस तरफ से भी देख लो। आइए इधर भी दिखाते हैं हम आपको। ये साइड लाइटें हैं, ये टायरों के ऊपर भी लाइटें लगाई है इन्होंने, व्हील कप दिए हैं बहुत ही बेहतरीन जिसमें रंग बस से मैचिंग ही है, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी टेपिंग कराई है जिसमें लिखा है हिमालयन क्वीन। जैसे कि शिमला जाने वाली है तो इसका नाम हमने हिमालयन क्वीन साइड में स्टिकर लोगो लगवाया है, और आप देख ही रहे हैं जैसे कि गाड़ी का काम कैसा हुआ है। पेंट हमने जो करवाया है जैसा इन्हें कहा था इन्होंने सेम वैसा ही किया है, और कुछ बैक लुक भी देखिए इसकी। हमने सिंगल सीढ़ी रखाई है हिमाचल में, क्योंकि कैरियर पे सामान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने जब जब हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे खोल के नीचे कर सकते हैं और इसमें सामान ऊपर रख सकते हैं। और ये कुछ हमने अपने से लोगो बनवाए थे इनसे, जो कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बनाए हैं, इसमें कलर भी बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने। और ये जैसे कि बैक लाइटें देख लो आप, सेंसर के लिए इनको कहा था हमने लगाने को, इन्होंने ये भी लगा के दिए हुए हैं। और पेंट तो आपको दिख ही रहा है कैसा हुआ है, बाकी जैसा बोला था इनको 2K पेंट करना है सेम वैसा ही है एज यूजुअल। आप जैसे ही शिमला पहुंचते हैं शिमला में ये बस देखने को जल्दी ही मिलने वाली है। और अब आइए कुछ अंदर का लुक दिखाते हैं आपको। आइए अब आपको कुछ अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये हमारी ताकी है। हिमाचल में कुछ लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है, तो हमने क्या किया इस बस में एक स्टेप एक्स्ट्रा लगवाया है ताकि कोई भी छोटा बच्चा बूढ़ा या कोई ना चढ़ सकने वाला आदमी भी आराम से चढ़ सके इसमें, है ना। और सारी फैंसी लुक दी है इसमें जितनी भी है, जैसी भी आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है सारी फैंसी लुक दी हुई है, और इसमें लाइटें लूटों का काम जैसे आपको दिख रहा है ना, और अपनी सीटें जो लगाई है वो पुश बैक लगाई है हमारी, है ना। जितना कंफर्ट हो सकना था वो हमने शिमला के लिए जो बस बनवाई है उसके लिए बनवाई है। लोकल रूट पर चलेगी शिमला में मैली शिमला, और सीटों की नंबरिंग का सिस्टम किया है, स्पीकर है इसमें चार, और स्टैंड ये पकड़ने के लिए डंडिया है जो बनी हुई है दो है, मतलब इस तरफ भी है और कुछ छत में भी है, किसी की हाइट कम होगी तो वो यहाँ पकड़ लेगा, है ना, जैसा कि आपको दिख ही रहा है।
बाकी इन्होंने जितना भी काम किया है आपको दिख ही रहा है कैसा है, कलर वगैरह जो भी है। और ये आपको आगे कैबिन का थोड़ा सा दिखा दे, तो हमने शिमला में जैसे लोकल रूट पे चलेगी तो ये ओपन ही रखा हुआ है ना, क्योंकि लोकल रूट पे चलेगी तो सवारी आगे तक बैठेगी, उस हिसाब से सीटें बनवाई है। और ये जितना भी दिख रहा है आगे आपको सब कुछ, और हमने इसमें थोड़ा सा कभी कभी बुकिंग होने पे हमारी ना शिमला में, तो उसके लिए हमने LED स्क्रीन भी लगवाई है इधर, जैसे यूज़ होगा इसका यूज़ भी होगा शिमला में। रोज़ तो नहीं चलेगी पर कभी कभी बुकिंग में जाएगी तो ज़रूर चलेगी। ये देखिए जैसे कंडक्टर सीट पे कोई आदमी जितने बैठेंगे उनके लिए पंखा इधर भी लगा है, ड्राइविंग सीट पे भी लगा है यहाँ तक कि। बाकी आप सनरूफ के लिए आपको पता ही है शिमला में वैसे ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, बट फिर भी इनसे लगवाया है जो इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, ताकि कभी शिमला में 1-1.5 महीने जो भी जितनी की गर्मी थोड़ी सी गलती होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना, जो गर्मी पड़ती है उस दौरान इसको खोल सकते हैं, इधर से फ्रेश एयर आ जाएगी। और इन्होंने यहाँ पे भी बक्सा बनवाया है, सीटें जितनी भी बनवाई हैं सारी है बढ़िया बनी है ना। और यहाँ पे भी इन्होंने शीशे दिए हैं, जो भी है हैंडल है पकड़। अगर आप लोग भी इस तरीके की बस बनाना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे दिख ही जाएगा। इन्होंने हमारी बस बहुत ही बढ़िया बनाई है, जितना इन्होंने समय कहा था उतने समय के बीच गाड़ी हमें दे दी है। धन्यवाद करते हैं और बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।